मैं अहमदास पलांगे, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है परमाणु संरचना। हम इसमें बहुत सारे जो टॉपिक है, थ्योरी है, वो कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले वाले जो क्लास था, उसमें हमने डी ब्रांगली जो संबंध स्थापना किए थे, डी ब्रांगली समीकरण की क्या किए थे स्थापना किए थे, वो हम लोग क्या कर चुके थे, देख चुके थे कि किस प्रकार से डी ब्रांगली समीकरण स्थापित किया गया था। ये समीकरण आपका प्लांक जो हमारा सिद्धांत है उससे, और आइंस्टीन का जो समीकरण है उसके बेसिस पर क्या किया गया था, उनको स्थापित किया गया था। अभी हमको थोड़ा सा देखना है आगे जो है वो है डी ब्रांगली समीकरण और जो बोहर का जो कोणीय संवेग है उनमें थोड़ा सा संबंध के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, देखते हैं। ब्रांगली समीकरण, डी ब्रांगली समीकरण समीकरण व बोहर के कोणीय संवेग में थोड़ा सा क्या करते हैं, संबंध देखते हैं। आपको पता है कि बोहर के अनुसार अगर देखें हम, बोहर के अनुसार, तो बोहर के अनुसार हम देखें तो हमारा जो क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, कौन है हमारा भाई, जो इलेक्ट्रॉन है बोहर के अनुसार देखें तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हमारा नाभिक के चारों तरफ उन कक्षाओं में क्या करता है, हमारा घूर्णन करता है, गति करता है, जिसमें कोणीय संवेग का जो मान होता है वो आपका क्या होता है, हमारा एच अपान टू क्या होता है, हमारा पाई होता है, क्या होता है, हमारा एच अपान टू पाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उसमें करता है जिसमें क्या होता है, हमारा ये 2π होता है, इस पर क्या करता है, संवेग करता है। तो बोहर के अनुसार हम क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों तरफ उन कक्षाओं में क्या करता है, गति करता है, जिसमें कोणीय संवेग का मान क्या होता है, एच अपान 2π होता है, जिसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, एम वी आर बराबर क्या होता है, एन, और अपान क्या होता है, हमारा 2π होता है। ये तो हो गया बोहर के अनुसार। अगर हम क्या करते हैं, डी ब्रांगली समीकरण के अनुसार देखते हैं, तो डी ब्रांगली समीकरण क्या कहता है भाई हमारा, तो डी ब्रांगली समीकरण ये कहता है कि जो हमारा लेमडा होता है, ये लेमडा हमारा एच अपान क्या होता है, एम वी के क्या होता है, हमारा बराबर होता है, एम वी का क्या होता है, बराबर होता है। और यदि यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो भी यहाँ पर दिया गया है तरंग दैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन का जो क्या है, हमारा तरंग दैर्ध्य है, या ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य ये जो है हमारा, ये हमारा क्या होता है, हमारा लेमडा होता है, और ऑर्बिटल की जो परिधि है, ऑर्बिटल की जो क्या है, परिधि है, कि परिधि वो क्या है, हमारा 2πr क्या दिया, हमारा 2πr दिया गया है। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो है परिधि कितना दिया है, 2πr दिया है, और ये जो है हमारा इसका तरंग दैर्ध्य लेमडा दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2πr इक्वल टू एन लेमडा से दर्शाया जाता है, क्योंकि लेमडा का मान इतना के बराबर है और लेमडा का मान इतने के बराबर है, तो ये जो मान होता है वो इसके क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है 2πr इक्वल टू एच अपान क्या हो जाता है, हमारा एम वी हो जाता है। और इसी मान को अगर लिखा जाए तो आगे जो है एम वी आर बराबर एन और एच अपान क्या लिखा जाता है आपका 2π के रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। और इसके आधार पर ये बोला जा सकता है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन का होता है वो इस प्रकार से कला के रूप में क्या करता है, आपका रोटेट करता है। तो हम ये क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और नेक्स्ट जो है हम लोग जो है आगे जो है सीमा को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। डी ब्रांगली समीकरण की सीमा, ये हमारा ये देखना है, डी ब्रांगली जो भी समीकरण दिया गया था तो उस डी ब्रांगली समीकरण की क्या 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 है सीमा है, वो हम क्या करने वाले हैं, अभी देखने वाले हैं कि डी ब्रांगली की सीमा किस प्रकार से होती है। तो डी ब्रांगली की सीमा ये है कि डी ब्रांगली का जो नियम है या जो डी ब्रांगली समीकरण जो होती है वो केवल उन्हीं हमारे अणु परमाणु या आयनों के लिए क्या की जाती है, उपयुक्त होती है, जिनकी परमाणु जो आकार होती है वो बहुत क्या होती है आपकी
छोटी होती है या जिनकी जो सूक्ष्मकण होती हैं, इनकी जो आपकी ये जो डी ब्रांगली जो समीकरण है वो डी ब्रांगली समीकरण जो है आपका बड़े वस्तु में या उच्च द्रव्यमान वाली जो वस्तु होती है उस पर ये लागू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उच्च द्रव्यमान वाली जो भी वस्तु होती है उसका आपका जो बोल सकते हैं तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत क्या होती है, कम होती है, तो उस स्थिति में ये नियम जो है कार्य नहीं करती है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है कि डी ब्रांगली समीकरण, डी ब्रांगली कौन सा हमारा भाई समीकरण, डी ब्रांगली समीकरण उच्च द्रव्यमान वाले वस्तु के लिए लागू नहीं होती है, है ना। तो हमारी जो क्या होती है, जो डी ब्रांगली जो समीकरण है, ये डी ब्रांगली समीकरण जो है क्या होती है, हमारे उच्च द्रव्यमान वाली वस्तुओं के लिए लागू नहीं होती हैं। क्योंकि उसके तरंग दैर्ध्य बहुत क्या होती है भाई, कम होती है। तरंग दैर्ध्य बहुत क्या होती है, कम होती है, बहुत कम होती है। तो इस तरीका से बोल सकते हैं कि डी ब्रांगली समीकरण की पहला सीमा ये है कि डी ब्रांगली समीकरण उच्च द्रव्यमान वाले वस्तुओं के लिए लागू नहीं होती है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम होती है, इसलिए उसमें लागू नहीं होती है। ये केवल छोटी वस्तुओं के लिए ही लागू होती है। जैसे बोल रहा है हमारा क्वेश्चन में, जैसे 100 ग्राम है ना के पत्थर, 100 ग्राम के क्या है हमारा पत्थर 100 सेमी है ना पर सेकेंड से क्या कर रही है, गति कर रही है। क्या कर रही है भाई, गति कर रही है। तो उस स्थिति में क्या होती है, यहाँ पर डी ब्रांगली समीकरण यूज की जाती है। जैसे हमारा जो मान था वो क्या था भाई, हमारा ये था लेमडा और ये था हमारा एच अपान क्या था एम भी। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाता है लेमडा। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये हो गया, हमने लिख दिया लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ पर एच का जो मान होती है वो होती है 6.62 इंटू 10^34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये होता है भाई। और नीचे आपका जो हजार जो है 100 ग्राम दिया गया है, इसका मान को इस प्रकार 0.1 kg क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है। और इंटू अगर हम वेग की बात करें तो यहाँ पर जो वेग होती है वो कितना बोल रहा है, पर सेकेंड बोल रहा है, मतलब यहाँ पर एक मिनट जो है पर सेकेंड के हिसाब से क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है। तो उस स्थिति में जब इनको क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती है, तो जो लेमडा का जो मान होती है, ये लेमडा का मान लगभग आपका प्राप्त होती है 6.62 इंटू 10^ क्या होती है -33 क्या हो जाती है, हमको ये जो मान है वो क्या हो जाती है, प्राप्त होती है। यहाँ पर जो भी केजी मीटर स्क्वायर या सेकेंड में जो भी क्या होती है हमारी, ये प्राप्त होती है। तो ये जो मान होती है, इस मान से या तरंग दैर्ध्य इतना मिलती है, और ये जो तरंग दैर्ध्य होती है इस मान की, वो तरंग दैर्ध्य बहुत क्या होती है आपकी, कम होती है। और उस स्थिति में इस तरह के जो वस्तु होती है, भारी वस्तु होती है, उसकी जो तरंग दैर्ध्य है या उसका जो मान है वो आपका जो है डी ब्रांगली समीकरण के द्वारा नहीं ज्ञात की जा सकती है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा सीमा। इसी में एक और क्या की जा सकती है, क्वेश्चन की जा सकती है। मान लेते हैं हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन की जो क्या होती है, गति होती है। अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पर क्या की जाती है, चर्चा की जाती है, इलेक्ट्रॉन का जो क्या होती है हमारी द्रव्यमान होती है 1.9.1 इंटू 10^ क्या होती है -31 kg होती है। और इस वस्तु की देखो, ये हमारा क्या होती है इलेक्ट्रॉन होती है, और इलेक्ट्रॉन का मान 9.1 इंटू 10^-31 kg, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का क्या होती है भाई, द्रव्यमान होती है,
इलेक्ट्रॉन का क्या होती है, द्रव्यमान होती है। और अगर मान लो ये आपका 6.0 × 10⁸ जो मीटर है पर सेकेंड है, इसके हिसाब से क्या कर रही है, गति कर रही है, तो उसको जो है आपके डी ब्रॉग्ली समीकरण के हिसाब से अगर ज्ञात की जाती है तो इसका जो मान होती है, ये जैसे एच अपान क्या होती है हमारी, एच अपान कितना दिया है हमारा, ये दिया है आपका एम भी, और इसका जब मान क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है, तो सब मान को यहाँ पर क्या कर दी जाती है, रख दी जाती है। इसका जो मान होती है 6.62 × 10⁻ कितनी होती है, -34 ये kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, डिवाइडेड बाई ये कितनी होती है हमारी 9. कितनी होती है 1 × 10⁻ कितनी होती है हमारी -31 kg होती है। और इसका वेग कितनी होती है भाई, यहाँ हमारा दिया है 6.0 × 10⁻ कितनी होती है हमारी 8 × 10⁻ कितनी होती है हमको 8 क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो इंटू कितना हो गया, 10⁻ कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड क्या होती है, मिलती है। तो अंततः जो इसका मान होती है लेमडा का मान, वो आपका जो है, आपका ये जो है मान जो प्राप्त होती है वो 6.2 × 10⁻⁻¹० क्या हो जाती है आपको, प्राप्त हो जाती है। और इसके आधार पर ये जो हमारा जो मान मिल रहा है, इसके आधार पर अगर देखा जाए तो, रुको एक मिनट, ये थोड़ा सा मान जो है आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या होती है हमारी जो मान प्राप्त होती है वो लगभग आपका 1.21 × 10⁻¹ कितना होती है 10, आपका जो भी मान है केजी में ये, या मीटर स्क्वायर में या सेकेंड में क्या होती है, प्राप्त होती है। और ये जो मान होती है उसमें तरंग दैर्ध्य बहुत क्या होती है आपकी, कम होती है। और तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण इसका जो मान है वो, या जो तरंग दैर्ध्य का मान है वो क्या की जा सकती है, डी ब्रॉग्ली समीकरण के आधार पर ज्ञात की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये जो डी ब्रॉग्ली की समीकरण की जो सीमा होती है उसको यहाँ पर क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है कि डी ब्रॉग्ली जो समीकरण होती है वो केवल जो है छोटी वस्तुओं के लिए लागू होती है, बड़ी वस्तु या बड़ी द्रव्यमान वाली वस्तुओं के लिए जो नियम है वो लागू नहीं होती हैं, है ना। जैसे यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर जो उदाहरण हैं उसके आधार पर क्या की जा सकती है, इसको बताई जा सकती है भाई। ये हो गए इसके सीमा। अब हम देखते हैं डी ब्रॉग्ली जो समीकरण है उसका क्या करना है, प्रायोगिक सत्यापन देखना है कि किस प्रकार से डी ब्रॉग्ली का समीकरण सही है या नहीं है, इसको हमको क्या करना है, देखना है। यहाँ पर डी ब्रॉग्ली के जो प्रायोगिक सत्यापन है उसके लिए कुछ यहाँ पर जो है प्रयोग करके देखा गया है, जिसमें पहला उसके जो कणी जो प्रकृति है, कणी जो प्रकृति है, कण के जैसा जो प्रकृति है उसको जो है प्रयोग के आधार पर देखा गया है। और दूसरा उसका जो क्या होती है, जो तरंग प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति को भी प्रयोग के आधार पर देखा गया है। वैसे तरंग प्रकृति को थॉमसन के द्वारा और एक जेमेरसन डेविसन जो होता है उनके द्वारा यहाँ पर उनको क्या किया गया है, बताया गया है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि कड़ी प्रकृति किस प्रकार से होता है, तरंग प्रकृति कौन से होता है। इसके अंतर्गत हम दो पढ़ने वाले हैं, एक होता है हमारा डेविसन, डेविसन व, है ना, जर्मर, जर्मर का जो प्रयोग है ये हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। और दूसरा होता है थॉमसन का जो क्या है, प्रयोग है, वो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। यहाँ पर जो कणी होता है, कणी का मतलब ये होता है कि कोई भी जो क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो है उसमें आवेश, तरंग दैर्ध्य, है ना, उसके अलावा उसमें ऊर्जा क्या होता है पाया जाता है। और जब उस क्या बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन को किसी जिंक पर्दे पर क्या करते हैं, टकराते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है उसका एक निशान, है ना, क्या होता है, प्राप्त होता है। तो वही इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो पहला कौन सा प्रकृति है भाई हमारा, कण प्रकृति है। कण प्रकृति को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, वैसे आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन में अब देखें तो ऊर्जा होता है भाई अपना, इसका क्या होता है, ऊर्जा होता है, आयन होता है, तरंग दैर्ध्य होता है। तो जब इस आयन को या इस इलेक्ट्रॉन को जब जिंक के पर्दा से क्या किया जाता है, टकराया जाता है, जिंक के पर्दा है हमारा, या जिंक सल्फाइड का क्या है हमारा, पर्दा है। और जब इस इलेक्ट्रॉन को जिंक के पर्दे से क्या किया जाता है, इस प्रकार से टकराया जाता है, टकराया जाता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जिंक के पर्दे पर क्या करता है, इस प्रकार चमक के रूप में क्या करता है, अपना निशान छोड़ जाता है। और प्रत्येक बार जो भी
जो रिक्टान है जब जिंक के पर्दा से टकराता है, कुछ निशान छोड़ता है, कुछ चमक छोड़ता है, और वो जो चमक होता है किसी परमानेंट जगह पर ही क्या होता है पाया जाता है। और उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन में कणक के जैसा क्या होता है गुण होता है, और साथ ही साथ ये हमारा स्थानीकृत होता है, एक जगह पर रहने वाला क्या होता है आपको प्रतीक होता है। तो कण प्रकृति के आधार पर इतना ही किया जा सकता है भाई कि इलेक्ट्रॉन में जो भी ऊर्जा होता है, जो भी जो है आयन होता है, अगर उसको जिंक के या जिंक सल्फाइड के पर्दे पर क्या किया जाता है जब टकराया जाता है, तो जिंक के पर्दे पर या जिंक सल्फाइड के पर्दे पर उनका जो निशान होता है किसी बिंदु पर क्या होता है बार बार टकराने पर एक ही बिंदु पर प्राप्त होता है। तो जो भी निशान प्राप्त होता है उसके आधार पर उसके कणी प्रकृति की व्याख्या किया जा सकता है या उसके कणी प्रकृति के बारे में बताया जा सकता है। क्योंकि हर बार क्या होता है वो जो निशान होता है, जो चमक होता है, वो किसी परमानेंट जगह पर ही प्राप्त होता है। इसके आधार पर उसके जो है आपका स्थानीकृत होने के बारे में भी क्या होता है हमको पता चलता है। तो कण की प्रकृति में फिलहाल इतना ही क्या किया जाता है इसमें देखा जाता है। दूसरा है हमारा इसकी तरंग प्रकृति। तरंग जो प्रकृति होता है, इस तरंग प्रकृति को भी जो है समझाने के लिए दो प्रकार के साइंटिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया थॉमसन और एक हमारा होता है डेविरजन और हमारा जर्मर, इन्होंने क्या किया है जो भी हमारे जो आपका जो कण है, जो सूक्ष्म कण है, उनके तरंग प्रकृति को समझाने के लिए यहाँ पर दो प्रकार का क्या दिया जा रहा है हमारा बातें बताई जा रहा है। पहला अभी जैसे मैं बताया डेविसन, डेविसन और एक होता है हमारा थॉमसन, जो दो साइंटिस्ट है इनके द्वारा इनको क्या किया जा रहा है बताया जा रहा है। तो देखते हैं हम लोग पहले किसके देखते हैं हम लोग डेविसन व जर्मर का क्या देखना है प्रयोग देखना है। जर्मर और जो डेविसन है उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस प्रकार से एक निकल का क्या लिया हमारा निकल का एक धातु लिया और इस धातु पर उन्होंने कुछ प्रकाश पुंज को, किसको भाई प्रकाश पुंज या इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, जब उनको उन्होंने इस प्रकार किया इस पर टकराया और उसके बाद यहाँ से प्राप्त होने वाले जो भी हमारा क्या था निकलने वाला विकिरण था उनको उन्होंने जब क्या किया पर्दे पर क्या किया प्राप्त किया, पर्दे पर प्राप्त किया तो उनको मिला कि यहाँ पर क्या होता है इस प्रकार से एक वलय कार क्या होता है संरचना बनता है या संरचना क्या होता है प्राप्त होता है। तो डिविजन ने और जर्मन ने प्रयोग कर में देखा कि यदि निकिल जो हमारा क्या होता है जो धातु होता है उस धातु पर प्रकाश पुंज को या इलेक्ट्रॉन को अगर हम क्या करते हैं आपतित करते हैं, क्या करते हैं हम लोग भाई आपतित करते हैं, तो उस स्थिति में यहाँ से कुछ विकिरण क्या होता है हमारा या कुछ हमारा उत्सर्जन होता है और वह उत्सर्जित प्रकाश को अगर हम फोटोग्राफी जो प्लेट होता है, कौन सा ग्राफी भाई हमारा फोटोग्राफी जो क्या है हमारा प्लेट है, इस फोटोग्राफी प्लेट में अगर क्या करते हैं उसको आपतित करते हैं तो आपको इस प्रकार से एक वलय क्या होता है प्राप्त होता है। और जब इस वलय के बारे में अध्ययन किया गया तो पाया गया कि ये जो वलय होता है वो एक्स किरणों को जब क्या करते हैं किसी धातु की सतह से टकराते हैं तो उनसे भी ऐसा ही क्या होता है हमारा वलय प्राप्त होता है, किससे जो एक्स किरणों से। और ये जो वलय होता है वैसे ही वलय किसका मिलता है हमको, ये जो है आपका जो भी जो सूक्ष्म कण है इलेक्ट्रॉन है उसका भी वलय मिलता है और वो जो वलय होता है वो एक्स किरणों के समान या एक्स किरणों के टकराने पर जो वलय बनता है उस वलय के क्या होता है समान होता है। और इसके आधार पर बताया जा सकता है क्योंकि हमारा एक्स जो किरण होता है वो हमारा क्या होता है हमारा विद्युत चुंबकीय विकिरणें होता है, विद्युत क्या होता है हमारा चुंबकीय विकिरणें होता है, विद्युत चुंबकीय किरणें होता है। और ये जो विद्युत चुंबकीय जो किरणें होते हैं वो तरंग के जैसा क्या करता है व्यवहार करता है, कौन एक्स किरणें होता है, क्योंकि उसी के जैसा यहाँ पर क्या मिल रहा है वलय मिल रहा है। तो इसके आधार पर क्या किया जा सकता है बताया जा सकता है कि ये जो आपका जो सूक्ष्म जो कण इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है आपका तरंग के जैसा क्या करता है व्यवहार करता है। तो इस तरीका से डिविजन और जर्मर का जो प्रयोग है उसके आधार पर इसको क्या किया जा सकता है बताया जा सकता है भाई। तो ये तो हो गया जर्मर का और डिविजन का क्या हो गया प्रयोग। अब हम किसके पास चलते हैं हम लोग थॉमसन के पास चलते हैं। थॉमसन ने क्या किया, इन्होंने भी वैसा ही प्रयोग किया, सिर्फ अंतर ये था कि इन्होंने जो जिंक प्लेट था उस जिंक प्लेट की जगह इन्होंने क्या ले लिया स्वर्ण पत्र ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पर ये स्वर्ण पत्र ले लिया। स्वर्ण पत्र जो था इस स्वर्ण पत्र को लिया और फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया उस पर आपतित किया, किसको आपतित किया भाई इलेक्ट्रॉन को या प्रकाश पुंज को आपतित किया। और उनको जब उन्होंने
फोटोग्राफी जो क्या था, प्लेयर था। इस फोटोग्राफी जो क्या था, प्लेट था। जब इस फोटोग्राफी प्लेट पर उन्होंने प्राप्त किया तो उनको जो है पहले के जैसा इस प्रकार क्या प्राप्त हुआ, वलय प्राप्त हुआ। और ये वलय भी पहले जो प्राप्त हमारा क्या था, वलय के समान था। तो इसके आधार पर भी इनको ये बताया गया कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं प्रोटॉन हैं, और ऐसे ही जो सूक्ष्म कण हैं वो सूक्ष्म कण क्या होते हैं, हमारे तरंग के जैसा क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो इसके आधार पर ये क्या किया जा सकता है, बता सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका भाई डी ब्रॉग्ली समीकरण की सीमाएं और उसका प्रायोगिक सत्यापन। तो इस तरीका से हम इसको क्या कर सकते हैं, बताया जा सकता है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं किसके पास, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के पास। किसके पास चलते हैं अभी हम लोग, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत होता है, इसके पास जब हम चलते हैं तो हम पाते हैं कि हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट था और जिन्होंने जो है आपका जो भी सूक्ष्म कण था, उस सूक्ष्म कण के जो भी कण प्रकृति या सूक्ष्म कण के जो तरंग था, या ये बोल सकते हैं स्थिति था, और उसका जो संवेग था उसको निर्धारण करने का प्रयास किया। और निर्धारण में फिर उन्होंने देखा कि जो है किसी क्षण जो क्या होता है, जो सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन होता है उसकी स्थिति का और उसके संवेग का एक साथ निर्धारण संभव नहीं होता है। यदि स्थिति निर्धारित होता है तो आपका संवेग अनिश्चित हो जाता है, और संवेग अगर निश्चित होता है तो उसका स्थिति क्या हो जाता है, आपका अनिश्चित हो जाता है। ऐसा कौन बोला, हमारा हाइजेनबर्ग ने बोला। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी हाइजेन जो वर्ग है, हाइजेन हमारा क्या है, जो वर्ग है, इस वर्ग का जो भी अनिश्चितता सिद्धांत है, अनिश्चितता जो क्या है हमारा भाई सिद्धांत है, इस सिद्धांत को क्या किया जा सकता है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि किसी क्षण है ना, सूक्ष्म कण जैसे किसका भाई, हमारा इलेक्ट्रॉन, सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति व संवेग का एक समय पर किसी क्षण सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन की स्थिति व संवेग का एक साथ निर्धारण संभव नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि कोई सूक्ष्म कण है और उस सूक्ष्म कण की स्थिति को और संवेग को अगर हम एक साथ एक समय पर निर्धारण करें तो संभव नहीं है। यदि स्थिति निश्चित होता है, अगर स्थिति क्या होता है हमारा निश्चित होता है तो संवेग में अनिश्चितता होती है। संवेग में क्या होती है हमारी, अनिश्चितता होती है। और यदि संवेग निश्चित होती है तो स्थिति में क्या होती है, अनिश्चितता होती है, तो अनिश्चितता होती है। यदि स्थिति की अनिश्चितता को, यदि यहाँ पर अनिश्चितता को डेल एक्स से है ना, तथा संवेग के अनिश्चितता को डेल पी से क्या की जाती है, दर्शाई जा सकती है। तो हाइजेनबर्ग की क्या की जा सकती है, इन दोनों के आधार पर हाइजेनबर्ग के
अनिश्चितता सिद्धांत के लिए, अनिश्चितता सिद्धांत के लिए, सिद्धांत के लिए क्या की जा सकती है भाई? व्यंजक प्राप्त की जा सकती है, व्यंजक प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है, जा सकती है। तो यहाँ पर क्या बोला कि कोई सूक्ष्म कण है और उस सूक्ष्म कण के स्थिति के बारे में और संवेग के बारे में एक साथ निर्धारण संभव नहीं है। ऐसा कौन बोला हमारा? हाइजेनबर्ग ने बोला। उन्होंने बोला कि अगर स्थिति निर्धारित करते हैं तो उसमें उस स्थिति में संवेग को निर्धारित नहीं कर सकते, और संवेग को निर्धारित करते हैं तो स्थिति निर्धारित नहीं कर सकते, मतलब एक में अनिश्चितता जो है बनी ही रहती है। यदि यहाँ पर स्थिति की अनिश्चितता को डेल एक्स से और संवेग की अनिश्चितता को अगर डेल पी से दर्शाई जाती है तो उसके लिए एक व्यंजक प्राप्त की जा सकती है, जिसमें ये होती है डेल एक्स और ये होती है हमारी डेल पी, और ये जो हमारी होती है वो कम या बराबर हो सकती है एच अपान 4 पाई के। तो यही हमारी क्या होती है? हमारी हाइजेनबर्ग की एक क्या होती है? छोटी सी व्यंजक होती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही की जाती है भाई। अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं।